Good morning everyone. Today we are going to discuss about the topic that is the hydrocarbons. Okay. Hydrocarbon. So what is meant by hydrocarbon? See here, this name indicates that hydro means hydrogen and carbon means carbon. Hydrogen and carbon. So what is meant by hydrocarbon? The compound containing only hydrogen and carbon, that compound is nothing but the hydrocarbons. For example, see here, methane molecule CH4. Now this methane molecule you can call as a hydrocarbon. Why it is called a hydrocarbon? Because this compound containing only hydrogen and carbon is there. Second one, CH3. The name of this hydrocarbon is the ethane molecule. Now ethane is also one type of hydrocarbon because this compound containing only hydrogen and carbon is there. Only two elements is present in this compound. Not another element or hydroatom is present in this compound. Only two element is here. One is the carbon, another one is the hydrogen. Now second, CH3. That compound is nothing but the also hydrocarbons. Why? Because this compound containing only these two elements, carbon and hydrogen is there. CH3, carbon, CH3. How many carbon is there? This compound containing 3 carbon, and how many hydrogen is there? This compound containing 8 hydrogen, plus C3H8. Okay, this is the structure or example of this hydrocarbon. Now this hydrocarbon, they are classified into saturated and unsaturated. So what is meant by saturated? Let's see. Saturated and second one is the unsaturated. What is meant by saturated? Saturated means the compound containing only single bond which is present between two carbon atoms. Saturated, single bond is present between the two carbon atoms. Us compound mein sirf carbon carbon ke beech mein single bond hona chahiye. Single bond agar rehta hai to use saturated bolenge hum. डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर रहता है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे. सैचुरेटेड सिंगल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही अलग है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलेंगे आप? द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन द सॉल्वेंट, दैट सॉल्यूशन इज नथिंग बट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लास वाटर है. सबसे पहले आपने थोड़ा सोडियम क्लोराइड उसमें ऐड कर दिया, एक स्पून. इफ यू ऐड वन स्पून ऑफ सोडियम क्लोराइड इन दैट गिवन सॉल्वेंट, व्हाट विल हैपन? दैट सोडियम क्लोराइड विच इज डिसॉल्व इन द गिवन सॉल्वेंट. उस जो सॉल्वेंट दिया है, वाटर दिया है, उसमें क्या होगा? वो सोडियम क्लोराइड उसमें डिसॉल्व हो जाएगा. उसके बाद थोड़ा और आपने ऐड कर दिया सोडियम क्लोराइड, वो भी उसमें डिसॉल्व हो जाएगा. और ऐड किया तो भी डिसॉल्व हो जाएगा. लेकिन कंटिन्यूअसली आप सोडियम क्लोराइड उसके अंदर ऐड करते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आता है उस सॉल्वेंट में, उस वाटर में वो सोडियम क्लोराइड उसमें डिसॉल्व नहीं होता. उस सॉल्यूशन का हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे. क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड का हम सॉल्यूट बोलेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. और वाटर क्या है? सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलेंगे उसे. वो सॉल्वेंट है, उससे हम क्या कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं. पहले क्वांटिटी सॉल्यूट की कम थी, सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी कम थी, इसकी वजह से क्या हुआ? जो वाटर दिया था उसमें वो डिसॉल्व हो गया. लेकिन कंटिन्यूअसली आप ऐड करते रहेंगे, ऐड करते जा रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो सॉल्वेंट जो है उसमें डिसॉल्व नहीं होता, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. लेकिन यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम बात कर रहे हैं. ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन चाहिए, उसे हम हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे. कितने भी रहने दो, ऐसा नहीं कि एक हाइड्रोजन एक ही कार्बन चाहिए, ऐसा नहीं होता है. कितने भी हाइड्रोजन कार्बन, क्योंकि सेम क्वांटिटी हो ही नहीं सकती. क्योंकि देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है कार्बन का? 2, 4. सो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज 4. उसकी वैलेंसी 4 है, मतलब वो कितना बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? कार्बन 4. तो एक अगर सिंगल कार्बन आप लेते हो तो हाइड्रोजन कितने चाहिए आपे? मीथेन मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन चाहिए. तो ऐसा नहीं कि एक ही कार्बन और एक ही हाइड्रोजन चाहिए, कितने भी रह सकते हैं, लेकिन बस उसकी वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए. तो हाइड्रोकार्बन्स
किसके में है, और हाइड्रोकार्बन आप किसे बोलते हैं, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए, उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसके क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसके टाइप से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सेकंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन ही चाहिए, हाइड्रोजन कार्बन के कंपाउंड है, लेकिन उस कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और यहाँ पे डबल और ट्रिपल देखते हैं एग्जांपल। और उसका क्लासिफिकेशन किसमें क्या है, सैचुरेटेड का है अल्किन, अल्किन को अनसैचुरेटेड बोलते हैं, और अल्किन अल्केन को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। देखते हैं अल्किन, अल्किन को हम सैचुरेटेड बोलेंगे, सेकंड अल्कीन एंड थर्ड वन इज अल्काइल। अल्केन सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड इज देयर, और ये दोनों जो है हम उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। तो अनसैचुरेटेड में आता है कौन कौन से अनसैचुरेटेड में आएंगे, अल्कीन और अल्काइल, ये दोनों आते हैं, लेकिन सैचुरेटेड में क्या आता है, अल्केन। अल्किन में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पे क्या रहेगा अनसैचुरेटेड में, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में। देखते हैं हम उसे, उसका सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल फॉर्मूला क्या है, GF, GF मींस जनरल फॉर्मूला। सो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्किन, CnH2n+2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्किन। अल्किन का क्या है, CnH2n ओनली, एंड अल्काइल का है CnH2n-2, ये हो उसका जनरल फॉर्मूला। अभी हम क्या करते हैं उसका एग्जांपल लेते तब समझ में आएगा कि उसका लेटर में क्या चेंज है। यहाँ पे देखो सिंगल डबल ट्रिपल, एक बार देखो उसको अल्फाबेट देखेंगे आपको समझ में आएगा, पता चल जाएगा उसमें डिफरेंस क्या है। ये तो तीन वर्ड तो सेम दिख रहे हैं, सबसे पहले और ALK ALK ALK, डिफरेंस कहां से आता है, एक ही लेटर सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे ए ए नहीं, यहाँ पे ई, यहाँ पे वाई, बाकी सब चेंज है, बाकी सब सेम है, बस एक ही लेटर क्या है चेंज हो रहा है, ए ई वाई, एक लेटर चेंज होता है, क्या चेंज हो रहा है, तो डबल बॉन्ड में भी डिफरेंस आ रहा है उसमें। ए है वहाँ पे, ए नहीं इंडिकेट दैट दिस कंपाउंड कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड, EN indicate that this compound containing double bond, and this Y indicate that the triple bond which is present between the two carbon atom. Letter change हुआ, alkane मतलब single bond, कहाँ पे रहेगा single bond, वो दो carbon के बीच में single bond रहेगा, मतलब जितने भी carbon से वहाँ पे वो सब carbon single bond से attach रहेंगे, उनको हम saturated बोलेंगे। लेकिन second क्या है, alkene, alkene में क्या है डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्किन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड अगर रहता है तो उसे अल्काइल बोलेंगे। जनरल फार्मूला भी यहाँ पे दिया है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। अभी हम देखते हैं उस कंपाउंड का कैसे चेंज होता है, नाम कैसे चेंज होता है वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम, N=2 लेंगे, क्योंकि 1 अगर लेते तो सैचुरेटेड हो फुली फिल करेगा, अल्केन हो सकता है CH4, लेकिन अल्किन और अल्काइल में नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड दिखाना है, इसके लिए कम से कम दो कार्बन तो चाहिए इस कंडीशन के लिए। मिथेन मॉलिक्यूल आप सैचुरेटेड में लिख सकते हैं C1, मतलब CH4 एक कार्बन से वो फुली फिल हो जाएगा, अल्केन बोलेंगे सैचुरेटेड है, लेकिन यहां पे अल्किन और अल्काइल के लिए तो यहां से स्टार्ट करेंगे N=2 ये नंबर ऑफ कार्बन एटम देंगे। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अल्केन, CnH2n+2 इज देयर, सी हियर पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, Cn, n मतलब क्या लेना है हमें यहां पे 2, तो यहां पे 2 पुट करो, हाइड्रोजन एज इट इज ये 2, अब ये 2 और n ये दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा, यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आया, सो 2 × n मतलब क्या लेना है 2, ये प्लस और ये 2 एज इट इज, हमने क्या कर दिया है यहां पे सिर्फ N=2 के वैल्यू पुट कर दिए, CnH2n+2। गौर से देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया है, यहाँ पे N=2 पुट किए, समझ में आ रहा है, जनरल फॉर्मूला है अल्किन का CnH2n+2, सिर्फ C2 N की जगह पे 2 पुट कर दिया, H2 ऑलरेडी है उसमें, N के बीच में फिर से 2 पुट कर दिया, दोनों के बीच में कौन सा साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है और एक प्लस यहाँ पे आ गया। चलो सॉल्व करते हैं आगे क्या होता है, C2 as it is रहेगा, so hydrogen कितने हो गए, 2 × 2, 2 × 4, ये plus 2 as it is, मतलब C2
4 प्लस 2 कितना आता है 6 C2 या 6। अभी हम क्या करते हैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तब हमें पता चल जाएगा कि सैचुरेटेड है या नहीं है। कैसे पता चल जाएगा हमें सैचुरेटेड है या नहीं, तो हमने पहले ही बता दिया सैचुरेटेड किसे बोलते हैं, जिस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। चलो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हमने कार्बन लिख दिया यहाँ पे कितने, ये स्ट्रक्चर मिला ना हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया हमें, ये कंपाउंड का नाम पता चला होना चाहिए आपको, क्या है, दो कार्बन रहने के बाद क्या रहता है, एक कार्बन रहने के बाद क्या रहता है, एक कार्बन अगर रहते तो क्या बोलते हैं उसे, मीथेन, टू रहेंगे तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऑनेन, डेकेन। चलो यहां तक तो मालूम होना चाहिए आपको। C2 मैंने अभी यहां पे लिख दिया है कि दो कार्बन, अभी हाइड्रोजन क्या है, कितने हैं, 6 हाइड्रोजन। ओके, तो 6 हाइड्रोजन, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंस कितनी है, कितने वैलेंसी कार्बन की, 4। अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा था, ऐसा नहीं कि थोड़ी वैल्यू बढ़ गई है थोड़ी वैल्यू तो कार्बन की वैलेंसी भी बढ़ेगी, नहीं, उसकी वैलेंसी चेंज नहीं होती, वैलेंसी उसकी सेम रहेगी, 4 ही रहेगी उसकी वैलेंसी, 4 है। तो चलो यहां पे हाइड्रोजन हम अटैच करते हैं, मैं पहले से लिखता हूं। ओके, सीएस3 इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, देखो जरा 1 2 3 4 हो गए। अब इस कार्बन की एक कंप्लीट है, कितने बाकी और, 3, ये कंप्लीट हो गया इसका। अब देखते हैं कितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कितने कार्बन है यहाँ पे, 2, A1 और A2। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए कंप्लीट। लेकिन उसका नाम क्या है अभी, इथेन, इथ, ये जो ETH, ये जो नाम है ETH। नाउ दिस लेटर इंडिकेट दैट दिस कंपाउंड कंटेनिंग 2 कार्बन एटम, बट लास्ट A इंडिकेट दैट this compound containing single bond, like a single bond, the single bond which is present between these two carbon atoms, दो कार्बन के बीच में single bond present है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, saturated बोलेंगे। समझ में आया सबको, देखो saturated में सिर्फ अल्केन आता है, saturated मतलब क्या बता दिया मैंने, saturated single, ऐसे याद रखो आप और से, saturated single मतलब single bond which is present between two carbon atoms। So what is the general formula, CnH2n+2, put the value of n, n is equal to 2, number of carbon atoms there. So C2H2 into 2 plus 2, 2 2 4, 4 plus 2 6, C2H6, ये molecular formula मिला हमें किसका, इथेन का, ये structure हमने draw कर दिया, what, है carbon carbon के बीच में single bond, yes, carbon carbon के बीच में अगर single bond रहता है, हम उसे क्या बोलेंगे, saturated alkene बोलेंगे, ये alkene का वही सेम क्या करते हैं हम अल्किन में देखते हैं अभी। चलो n is equal to 2 पुट करो, व्हाट इज द फार्मूला, CnH2n C2H2 into क्या आएगा n की जगह पे, 2। चलो C2H2 2 4, मतलब C2H4 आया, सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अभी क्या करना है हमें, दो कार्बन लिख दो, बताया मॉलिक्यूल फार्मूला ही वैसा ही है, दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अगर हमने 4 कार्बन हाइड्रोजन लिखते हैं तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है क्या, नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है 4। ओके, यहाँ पे अगर वैलेंसी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे 3 लगेंगे, एक ही कार्बन रहता है इसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं होती, तो इसलिए क्या करना है, देखो अभी यहाँ पे देखो, दो कार्बन दो हाइड्रोजन तो हो गए, लेकिन कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट है क्या, नहीं है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, यहाँ पे कितनी है, सिर्फ 3, अनबैलेंस है, अनबैलेंस है, सेम यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लेना, तो क्या बन गया, देखो दो कार्बन है मतलब इथ, ये तो सेम आएगा वर्ड, क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन अगर रहता है तो इथ रहेगा, लेकिन देखो लेटर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे अल मतलब ये इथ एज इट इज है, ANE सिंगल बॉन्ड के लिए, लेकिन जहां पे डबल बॉन्ड रहता है वहां पे क्या आता है, ENE, तो लास्ट में यहां पे लग दो ENE, क्या नाम हो गया उसका, इथीन, क्योंकि क्या है, कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ गया है यहां पे, इथीन CH2 CH2, एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेटेड है कंपाउंड, से अल्किन बोलेंगे, समझ में, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड
डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, समझ में आया। ये हुआ इथीन, उस कंपाउंड का नाम भी चेंज हुआ, देखो डबल बॉन्ड आ गया ना, यहाँ पे इथेन था एनी, यहाँ पे क्या आ गया इथीन ईएनई आ गया, क्यों, क्योंकि बॉन्ड की वजह से, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अभी यहाँ पे देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर रहता है तो उस कंपाउंड का नाम क्या चेंज होता है, ऑलरेडी लास्ट लेटर का मैंने बता दिया है, पहले जितने कार्बन रहेंगे उसका नाम आता है, बाद में लास्ट में वाई नहीं आएगा अगर ट्रिपल बॉन्ड में, तो देखते पुट यन इज इक्वल टू टू सी यन, यन मतलब टू, यच टू, यन के जगह पे क्या रखना है हमें यहाँ पे वैल्यू टू माइनस टू, देखते सी टू 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 जा फोर माइनस टू सी टू यच टू आएगा, फोर माइनस टू क्या आएगा टू सी टू यच टू, देखेंगे अभी यहाँ पे तो बहुत कार्बन कम हो गए, देखिए कार्बन की कार्बन हाइड्रोजन कम हो गए, सॉरी यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, लेकिन क्वांटिटी किसकी कम होने जा रही है हाइड्रोजन की, यहाँ पे सिक्स हाइड्रोजन थे, यहाँ पे फोर हो गए, यहाँ पे और भी दो माइनस हो गए, टू ही रह गए, अभी क्या करना पड़ेगा, कार्बन की वैलेंस फोर है, देखते एक एक हाइड्रोजन तो लगा लेते, कंप्लीट हो गए क्या, नहीं, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, कि बॉन्ड है इस कार्बन की, ये रहेगा ये रहेगा तीन, ये रहेगा वन, फोर हो गए, इसी का सेम थिंग प्लस वन फोर, लेकिन दो कार्बन है इथ, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो कौन सा लेटर आएगा लास्ट में, वाई इथाइल बोलेंगे हमसे, समझ में आया, हाइड्रोकार्बन, ये सब में सबको हम हाइड्रोकार्बन से ही बोलेंगे, देखो ना दो ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्लासिफिकेशन